नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन 7 मिस्टेक के बारे में जो कि आपको एज ए टीचर अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहला जो मिस्टेक है जो ऑनलाइन में आकर के टीचर करते हैं वो ये नॉट हैव ए क्लियर लेसन प्लान। उनके पास में ना कोई भी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीज़ों का कोई स्ट्रक्चर वगैरह का नामो निशान नहीं रहता है। अगर वो बोर्ड पे आते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। उसमें होता क्या है कि पढ़ाते कम है और बातों को घुमाते ज़्यादा है। अब उससे होता क्या है, बच्चों का एंगेजमेंट खराब होता है और बच्चों को लगता है टाइम वेस्ट हो गया। तो वैसे टीचर का वीडियो बच्चे नहीं देखते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले आपको अपने जो भी आज पढ़ाने वाले हैं, हो सकता है आप कोई चैप्टर पढ़ाने वाले, तो उसका लेसन प्लान पहले ही करके रखिए कि हाँ हमको किस तरीके से पढ़ाना, क्या क्या पढ़ाना। हो सकता है अपने पॉइंट वगैरह को लिख करके रख लीजिए ताकि आपको बोर्ड पर जाकर के ब्लैंक ना होना पड़े और आपको बातों में उलझाना ना पड़े बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत समझदार हो चुके हैं। तो अगर आप उनको बातों में उलझाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं टाइम लॉस होगा और अगली बार हो सकता है वो आपसे लेक्चर अटेंड ना करें। दूसरा पॉइंट ये है कि नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। अब आप क्या होता है ना, कई बार बहुत सारे ऑफलाइन के टीचर हैं जो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो उनको ना ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के बारे में उतने अच्छे तरीके से नहीं पता है और ना ही उतना इफेक्टिव वो यूज कर पा रहे हैं। उनके लिए उनको क्या करना चाहिए कि जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं कम से कम उन चीज़ों का प्रैक्टिस कर लें कि हाँ कैसे लिखना है, कैसे मिटेगा, कैसे अगर माइक बंद करना है, कैसे माइक ऑन ऑफ करना है, ये सारी चीज़ों का एक बार में डिटेल में एनालिसिस कर ले और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर ले। इससे होगा क्या कि जब भी अगर आप बोर्ड पे जाते हैं तो आपके ऑफलाइन जैसा ये नहीं है कि हाँ कहीं भी मार्कर खत्म हो गया तो आप चेंज करा सकते हैं, ऑनलाइन है और इसमें लाखों बच्चे देख रहे होते हैं आपको। उस समय में अगर कोई भी गलती होती है तो बच्चे उसको मैंडेटरी लेवल पर लेकर के जाते हैं। इसलिए आप कोशिश ये करिए कि जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में पूरे तरीके से पता हो और साथ ही साथ आप उसको इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। तीसरा मिस्टेक जो करते हैं वो ये कि नॉट कंसिडरिंग डिफरेंट लेसन स्टाइल। अब इसमें क्या करते हैं वो लोग कि जैसे मान लीजिए कि एक तरीके का एग्जाम्पल है वो सेट कर देंगे, हाँ इस पे एक तरीके का एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद आगे चले जाएंगे, बट हर बच्चों का लेवल जो होता है ना, आईक्यू लेवल उस तरीके का नहीं होता। तो आपको कम से कम कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी रूल है, कोई भी तरीके हैं तो उसको समझाने के लिए आपको 2-3 एग्जांपल जरूर यूज करना चाहिए और वो भी अलग अलग। उससे होगा क्या कि हर तरीके का बच्चा होता है आपके क्लासरूम में, बिगनर लेवल का भी है, एडवांस लेवल का भी है, प्रो लेवल का भी है। तो तीनों तरह के एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी बेसिक नॉलेज वाला भी बच्चा वो भी समझ जाता है, जो मीडियम लेवल वाला बच्चा वो भी समझ जाता है, जो प्रो लेवल वाला बच्चा वो भी समझ जाता है। तो तीनों तरीके का एग्जाम्पल यूज करिए कि उससे जो आपका बेस वाला स्टूडेंट भी समझे और एक और एग्जाम्पल यूज करिए जो मीडियम वाला समझे और एक और एग्जाम्पल यूज कर सकते जो मॉडरेट वाला बच्चा भी समझ जाए। यानी तीनों तरीके से अगर आप बताएंगे किसी भी चीज को तो आपके हर लेवल के स्टूडेंट आते हैं आपके क्लासरूम में या हर लेवल का स्टूडेंट आपसे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, तो उनका अगर डाउट क्लियर होगा तो आपका लेक्चर जरूर देखेंगे। और बहुत मेजोरिटी पे ये टीचर कर रहे हैं, बहुत जगह पे सारी चीजें दिख भी जाती है यूट्यूब वीडियो वगैरह के माध्यम से। वो क्या करते हैं, नॉट टेस्टिंग इक्विपमेंट बिफोर क्लास। अब क्या होता है ना कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होने वाला रहता है उससे पहले वो अपने इक्विपमेंट वगैरह को चेक नहीं करता है। अब सपोज करिए मान लीजिए मेरा 8 बजे क्लास है और मैं डायरेक्ट लाइव हूँ, मुझे पता चले मेरा माइक ही नहीं चल रहा है, अब मैं माइक ऑन करने में लगा हूँ तो कहीं ना कहीं दिमाग पर प्रेशर होता है, लाइव हो गया, माइक नहीं चल रहा है, या नहीं हो रहा है, या OBS फंस गया, या बोर्ड पर मार्कर नहीं चल रहा। तो बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में खराबी भी लाजमी सी बात होगा ही होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप चीजें ऑनलाइन लेकर के जाना चाहते हैं तो उसको एक बार चेक कर लीजिए कि हाँ माइक सही काम कर रहा है कि नहीं, मार्कर सही काम कर रहा है कि नहीं, लाइव वगैरह सब कुछ तरीके सही से हो गया या नहीं। और हाँ, वो बड़े जो भी लोग अभी ऑनलाइन टीचिंग में हैं, जो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, वो सब लोग, आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो पूछते हैं हाँ सब कुछ प्रॉपर लाइव हो गया, लाइव हो गया, मार्कर वगैरह सब कुछ सही है, तो हाँ उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं ना कहीं ये गड़बड़ आएगी ना तो पूरा का पूरा एक तरीके से प्रेशर आएगा, वो अपने लेक्चर को अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। तो आप जब भी अपने ऑनलाइन क्लास में जाइए तो आप जो भी इक्विपमेंट यूज करें उसको प्रॉपरली एक बार पहले चेक कर लिया कीजिए कि सब कुछ सही है या नहीं। जो पांचवा मिस्टेक जो हर टीचर कर रहे हैं वो ये है कि नॉट अडॉप्टिंग द ऑनलाइन एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोग ऑफलाइन में काफी एक्सपीरियंस टीचर हैं, बट जब वो ऑनलाइन में आते हैं ना तो वो उस एनवायरनमेंट को पकड़ ही नहीं पाते हैं। कई बार होता है कि लोग कैमरा से देख करके बात ही नहीं कर रहे, कई बार होता है कि लोग बस एक बार लिखे मिटाए फिर आगे बढ़ गए। तो इससे होता क्या ना, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग समझाते जा रहे हैं समझाते जा रहे हैं। तो आपको जब भी अगर ऑनलाइन पढ़ाना तो आपको ऑनलाइन एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना होगा, आपको समझना होगा कि जब बच्चा कोई आपने जो चीजें लिखा और आपको आपने जब वो चीजें समझाया तो आपका बच्चा क्या रिप्लाई कर रहा है, आपका बच्चा उस चीजों को समझ पाया या नहीं समझ पाया। आपको ऑनलाइन माहौल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, लाइटिंग सही है कि नहीं, कैमरा सही है कि नहीं, कहाँ पे देख के बात करना है, किस तरीके से लिखना है, समझाते समय में किधर देखना है, ये सारी चीजों को आपको ऑनलाइन अडॉप्ट करना होगा। ऑफलाइन में ये चीजें होता था कि जब आप लिखते थे तो बच्चा बोर्ड पर देखता था, जब आप बोलते थे तो बच्चा आपको देखता है। आपका जितना बड़ा भी स्मार्ट बोर्ड हो, 72 इंच हो, 85 इंच हो, 86 इंच हो, या जितना बड़ा भी स्टूडियो हो, आपका दायरा बस उतने में सीमित हो चुका है।
अब आपको लिखना भी उसी दायरे में है, समझाना भी उसी दायरे में, तो आपको ऑनलाइन तरीके को, ऑनलाइन एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि जब आप एज अ सेम टाइम बोलेंगे और एज अ सेम टाइम लिखेंगे तो बच्चों को चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। इसके लिए आप PPT वगैरह का यूज़ कर सकते हैं कि पहले से वो सारी चीज़ें लिखी हो या पॉइंट आउट वो सारी चीज़ें की हुई हो, बस आपको जाना है ऑनलाइन और सारी चीज़ें समझाना है, और समझाते वक्त हमेशा कैमरा की तरफ देख करके बात किया। अब साथ ही साथ ये क्या हो सकता है कि कई बार ना जो ऑफलाइन के टीचर हैं उनको कई बार आइडिया नहीं होता कि हम बच्चे किस तरीके से रिप्लाई करेंगे, क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्या चीज़ें। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप ऑनलाइन लेक्चर वगैरह ले रहे हैं तो आपको फीडबैक पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा समझा कि नहीं समझा, बच्चा नोट डाउन किया कि नहीं किया, उसको टेस्ट टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस सारी चीज़ों को आपको फीडबैक लेना चाहिए और ऑनलाइन माहौल को अडॉप्ट करना चाहिए कि हाँ ऑनलाइन में टेस्ट कब लेना चाहिए, ऑनलाइन में क्विज कब करना चाहिए, ऑनलाइन में PDF कब देना चाहिए, सारी चीज़ों को आपको एक तरीके से ऑनलाइन जो माहौल है उसको अडॉप्ट करके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगला और आखिरी मिस्टेक के बारे में, आज के सेशन का आखिरी मिस्टेक। हो सकता है और भी कुछ मिस्टेक हो जो मैं कवर नहीं कर पाया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये आखिरी मिस्टेक ये है कि नॉट कीपिंग अप विद देयर मटेरियल। अब क्या है ना कि अब सपोज करिए कि आप 10 साल पहले से कोचिंग लाइन में हैं, ठीक है, या पढ़ाने वाले लाइन में, आपका मटेरियल 10 साल पहले का बना हुआ है और आप आज भी वही सेम मटेरियल बना रहे हैं। ऑनलाइन में ना आउटडेटेड करके बहुत जल्दी चीज़ें होती है, ऑफलाइन में क्या होता था कि आप साल साल भर पे कोई कोई मटेरियल चेंज करा रहे हो। अब यहाँ पे ऑनलाइन वाले में क्या है कि अगर आज आपने जो चीज़ें पढ़ा दी और एक महीने बाद भी अगर कोई चीज़ें पढ़ाने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अपडेट आ जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ अलग अलग केस स्टडी या अलग अलग समझाने का अलग अलग अप्रोच आपके पास में आना चाहिए। अगर आप उस सेम ही चीज़ें रिपीट करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप आउटडेटेड होते चले जाएंगे और बच्चे आउटडेटेड चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप जब भी कोई एग्जांपल यूज करिए वो थोड़ा देखिए, कोशिश करिए कि यूनिक हो, कुछ नया हो, जो भी अपना क्वेश्चन लाइए तो कुछ उसमें अपडेट लाइए क्वेश्चन में। अगर आपने पिछले एग्जाम में 20 क्वेश्चन दिया था और 20 अलग अलग तरीके से थे तो इस बार कोशिश करिए जो आप इस बार भी 20 क्वेश्चन देने वाले हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चन को हटा दीजिए और 5 नए क्वेश्चन को ऐड ऑन करिए। उससे क्या होता है कि आपका मटेरियल अपडेटेड रहता है, साथ ही साथ जो भी आपके लेटेस्ट एग्जाम वगैरह हुए हैं उसके क्वेश्चन वगैरह ऐड ऑन कर दीजिए। पिछले बार में हो सकता है आप सिर्फ PDF वगैरह दे रहे हो, इस बार नोट्स वगैरह भी शेयर करा कीजिए। अगर आप इस बार नोट्स वगैरह भी दे रहे हैं तो अगले बार में हो सकता है टेस्ट सीरीज वगैरह भी चीज़ें शेयर किया कीजिए। उससे होगा क्या ना कि आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे और आपका कोर्स हमेशा सेल होते रहेगा और ऑनलाइन में आप हमेशा डिमांड में बने रहेंगे क्योंकि आप समय के साथ में अपडेट होते जा रहे हैं। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझाने में मैं सफल रहा हूं। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाएं जिसपे आपका पेमेंट गेटवे, गूगल प्ले कंसोल या डाटाबेस सारा कुछ आपका अपना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। हमारा नंबर है 7277804691। और आपके एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर हो सकते हैं अगर ये जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप देख करके आप समझ सकते हैं कि हम क्या क्या फीचर देने वाले हैं या आप कॉल करके जानकारी इसका ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।